विदिशा की बेतवा नदी में पिछले दिनों आई भारी बाढ़ का पानी विदिशा शहर में घुस गया था। हालात यह हो गए कि बेतवा किनारे वाले क्षेत्र में रहवासी क्षेत्रों में नदी का पानी 8 से 10 फीट ऊंचाई पर बह रहा था। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग यहां से सुरक्षित स्थान पर चले गए थे, लेकिन अपने पालतू पशुओं को यहीं छोड़ गए। ऐसे ही एक फार्म हाउस में लगभग 100 गाय और भैंस भी फंस गई थी। बंधा होने के कारण वह खुद को सुरक्षित भी नहीं कर पा रही थी, उनकी जान खतरे में थी। तभी इन जानवरों की जानकारी राजपूत कॉलोनी में रहने वाले कुछ युवकों को लगी, जिन्होंने अपने मित्रों को इकट्ठा कर इन गायों को सुरक्षित निकालने का निर्णय लिया। लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा था, इसके बाद उन्होंने जान जोखिम में डालकर शाम होते होते 10 गायों को इतने पानी में से भी निकाल लिया। इसके बाद सनातन हिंदू उत्सव समिति और रामलीला क्षेत्र के अन्य लोगों के सहयोग से बाकी जानवरों को भी निकाल लिया। इन युवकों की इस जाबाजी की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। विदिशा से आशीष सहल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर निरंजन सिंह राजपूत बिट्टू है। अभी आपने कुछ गायों को बचाया है जी। क्या हुआ था, कैसे आपको जानकारी मिली कि वहाँ गाय खतरे में है, और फिर कैसे आपने उन गायों को बचाया? एक्चुअली क्या है, हम रामलीला चौराहे पर एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। एक अंकित ठाकुर करके एक है, वो आया, वो बोलने लगा भैया पीछे से गायों की आवाज़ आ रही है बहुत तेज तेज, तो आप थोड़ा चलो देखने के लिए। तो हम जहाँ पे झांकियाँ बन रही हैं उसके पीछे हमने आवाज़ सुनी गायों की, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। इसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया यार अपन वहाँ पे स्पॉट पे चल के देखें स्थिति है क्या क्या, मतलब गायों की आवाज़ है या किसी और चीज़ की आवाज़ है। तो हम लोग स्पॉट पे पहुँचे तो वो गाय बंधी हुई थी डेयरी में, एक निजी डेयरी में। हम लोग तीन चार लोग, लोकेन्द्र दादा भाई वगैरह, दीपू भाई वगैरह, तीन चार लोग थे वहाँ पे चाय पी रहे हम तीन चार लोग जने। फिर हमने पुलिस प्रशासन से कहा भैया हमको वहाँ देखने जाना है, गाय वगैरह हैं वहाँ पे, जो भी है कितनी है अपन स्पॉट पे पहुँच कर देखते हैं। तो उन लोगों की नाव से पहले हम गए, तब जाके हम फर्स्ट बार में दो गाय लेके आए थे, एक गाय मैं और लोकेन्द्र दादा ही लेके आए थे। इसके बाद फिर दो गाय और लेके आए, फिर धीरे धीरे हमने 8 गाय, टोटल 10 गाय निकाली थी। दो गाय तो भग गई थी, इसके बाद 8 गाय हमने राजपूत कॉलोनी में शिफ्ट कर दी थी। अब कितना पानी था जब आप गए? मिनिमम हम लोग जब गए थे फर्स्ट दिन तो मिनिमम 10 फीट पानी था। अच्छा। जो जहाँ पर गाय थी ना उसके बाहर जो गेट था, गेट भी लगा हुआ था, पूरे में गाय पैक थी पूरे एरिए में, और मिनिमम उस गेट पर 10 फीट पानी, 10 फीट के समथिंग पानी था। गायों के आसपास भी पानी था? गाय पूरी डूब रही थी, उनके सर सर दिख रहे थे, बस इस तरह मुँह करके खड़ी हुई थी, उनके नकुए में बराबर था, और भैंसे वगैरह टोटल गाय बंदी हुई। आपको डर नहीं लगा आप लोगों को? नहीं सर, वो गायों को बचाना था। तो फिर टोटल आपने कितनी गाय बचाई दूसरे दिन? फिर गए आप? फिर कुछ दूसरे दिन गए तो 42-43 गाय थी और 12-13 भैंसे थी। तो अब क्या क्या हालत है उन लोगों की? फिर आपने क्या किया? राजपूत धर्मशाला में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके मालिक को बुलाया था तो उन्होंने डॉक्टर वगैरह को बुला के ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। और कुछ गाय मर भी गई है वहाँ पे, एक सांड मरा पड़ा था, एक छोटी बच्चिया थी गाय भैंस की, वो भी मरी हुई पड़ी थी। उनका कहना था कि इनको सांप ने काट लिया, बाकी मेरे हिसाब से वो पानी के द्वारा मरे हुए। हाँ भयंकर। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र सिंह राजपूत। अभी आप लोगों ने कुछ गाय भैंसों को बचाया है, क्या हुआ था, कैसे आपको पता चला और कैसे खतरों से आपने बचाया? बेतवा नदी चढ़ी हुई थी उस दिन, हम लोगों को कोई ऐसा काम नहीं था, दुकान वगैरह बंद थी, तो हम फ्री बैठे थे रामलीला चौराहे पे। एक मित्र हमें आके बताता है कि भाई यहाँ पर बहुत सारी गाय फंसी हुई हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। तो मैं, बिट्टू बना, धर्मेंद्र बना और निखिल भाई, हम चारों ने उनको जाके देखा तो वहाँ पर बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही थी। हमने होमगार्ड वालों से मदद मांगी तो हमें बोट से वहाँ तक देखने के लिए ले गए, जहाँ पर हमने देखा 5 से 5.5 फीट पानी में गाय सर तक डूबी हुई थी और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तत्काल हमने उन्हें बाहर निकालने का निर्णय लिया और एक एक गाय करके हमने, शाम होते होते अंधेरा हो गया था, हमने लगभग 8-9 गाय निकाली, जिन्हें राजपूत धर्मशाला में हमने व्यवस्थित कर दिया और उनको हम निकाल लाए। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा था गेट के बाद, लगभग 10 फीट ज़्यादा पानी बह रहा था, जो गहरा था, और इनका भाव बेतवा की तरफ था। हमें डर ये था कहीं ये गाय हमारे हाथ से छूट के गहरे पानी की तरफ ना चले जाए, नहीं तो ये और हमें कहीं खींचना ले जाए। तो हमने एक कैसे व्यवस्था बनाई कि इनको आराम आराम से निकाल लें। 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था जहाँ हमें पार करके इन गायों को लगाना था। हमने 10 गायों को निकाला। अगले दिन हमने फिर 8 बजे सुबह रेस्क्यू स्टार्ट किया। लगभग 72 जानवर हमने दूसरे दिन बचाए। 15 छोटे छोटे जो बचले थे उन्हें हमने दूसरी मंजिल पर पहले दिन ही शिफ्ट कर दिया था, जिससे कि वो डूबने से बच गए। लगभग 80-85 गाय भैंस जो बचले थे उन्हें हमने सुरक्षित निकाल लिया। अब कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी है कि हमने किसी ऐसे जानवर को बचाया जिसे हम माँ भी मानते हैं और जो बोल नहीं सकता, जिन्हें खुद
उनके मालिक अपने हाल पे छोड़ के चले गए थे, उन्हें बचाकर हमें बहुत खुशी है कि हमने किसी की मदद की। जब आप बचा रहे थे वहाँ बेतवा का पानी बहुत था, धार भी बहुत तेज बह रही थी। बिल्कुल, बहुत तेज धार बह रही थी जिसकी दिशा बेतवा नदी की दिशा पूरी बेतवा नदी की तरफ थी और उसका जो बहाव था बहुत तेज था गेट पे, क्योंकि गेट के अंदर 5 से 5.5 मिनट पानी था। डर नहीं लगा आप लोगों को? डर लग रहा था सर, पर हमको एक अंदर से जज्बा था कि हमको गौ माता को बचाना है, हमारा हमारा धर्म, और गौ माता हमारे आड़े आ गई और उसने हमारी रक्षा भी की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।